अब तक के 20 वर्षों से हम लोग भी पत्रकारिता में थे और हमने ये बिल्कुल आपकी तरह साफ साफ देखा है कि भाजपा जांच के नाम पे पूर्ववर्ती कांग्रेस को दबाने का काम करती है, और जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जांच के नाम पे भाजपा को दबाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा ना तो मेरी पोल खोल ना मैं तेरी पोल खोलूँ। भाजपा के लोग कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस के लोग फिर भाजपा में आ जाते हैं, डिपार्टमेंट उनके यही रहते हैं। और यही नहीं, ये सरकारों में नहीं, आप इन 20 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी के मियाँ बीवी चला रहे हैं। यहाँ डिपार्टमेंट में ब्यूरोक्रेट जो शासन में बैठे हैं मियाँ बीवी, कितने दंपत्ति हैं जो शासन में, हाथ पे उठा के देख सकते हो आप। पुलिस सिंह में कितने लोग हैं, पहले 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 हस्बैंड चलाता है उन्हीं डिपार्टमेंट को, हस्बैंड से हटता है तो वो बीवी के पास आ जाता है, फिर बीवी से हटता है तो हस्बैंड के पास आ जाता है। तो भाई घोटाले खोलेगा कौन? नेता लोगों का भी यही है। यहाँ कांग्रेस में कांग्रेस, यहाँ भाजपा की सरकार है, 5 इसमें पुराने कांग्रेस के लीडर हैं, 3 इसमें भाजपा के हैं। यही क्लियर नहीं है कि सरकार है किसकी है, भाजपा की है कि कांग्रेस की है? तो सरकारों में भी यही है, नेताओं में भी यही है और शासन में भी यही है। तुम बीवी के बीवी घोटाले करेगी तो हस्बैंड नहीं खोलेगा, हस्बैंड घोटाले करेगी तो बीवी को पता नहीं चलेगा, तब तक फिर सरकार बदल जाएगी, फिर आपका सिस्टम वही। तो ये एक तरीके से पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है इन लोगों ने। और उत्तराखंड क्रांति दल अगर सत्ता में आया, अगर इस बार जनादेश मिला, तो हम इस तरीके का जो पूरा नेटवर्क है, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देंगे। इसीलिए अब नए लोगों की जरूरत है और भाजपा कांग्रेस से अलग हटके क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत है।